दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और आप ज्यादा बिजली के बिल से लगातार परेशान हैं, दोस्तों आज मैं आपको ऐसे दो टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बिजली के बिल में 25 से 30% की बचत कर पाएंगे और आपका बिजली का बिल 25 से 30% कम आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है वो टिप्स जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर वन के बारे में। दोस्तों, आप जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने जाए, होम इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, हीटर हो, गीजर हो, कूलर, एसी, कुछ भी हो, ऐसे में आप पहले कंफर्म कर लें कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट खरीद रहे हैं उसकी कम से कम 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो 5 स्टार रेटिंग के साथ खरीदें, क्योंकि दोस्तों जो 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो बिजली कंज्यूम करने की जो वो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अगर आप सस्ता ले आते हैं तो बिजली का उपयोग ज़्यादा करेगा, आपका बिल ज़्यादा आएगा। जब आप एक बार अगर उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके महंगा ले लेंगे तो वो 5 स्टार रेटिंग वाला जो आपका डिवाइस होगा वो कम बिजली खाएगा, आपको बिजली की बचत होगी। दोस्तों, बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, जो पॉइंट नंबर दो है वो ये कि आप लगातार किसी भी चीज़ का कंटिन्यू इस्तेमाल ना कीजिए, चाहे आपका हीटर ही हो, चाहे गीजर हो या फिर कूलर हो। जैसे कि मान लीजिए आपका हीटर है, आप ब्लोअर है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं और आपका रूम पूरी तरह से हीट हो चुका है, उसको आप बंद कर दें, थोड़ी थोड़ी देर में उसको ऑन करके टेम्परेचर को मेंटेन रखें, मतलब कंटिन्यू आपको नहीं करना है। वैसा सेम आप अगर कभी गीजर खरीदें तो गीजर में भी ये चीज़ ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा कैपेसिटी वाला आप खरीदें, कि एक बार पानी गर्म कर लेने पर काफ़ी देर तक उसमें गर्म रहना चाहिए। तो मतलब दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर उसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग में।